मुजफ्फरनगर जिला जेल में बंद एक महिला कैदी के एचआईवी पॉजिटिव निकलने से जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जनपद मुजफ्फरनगर की थाना तितावी पुलिस के द्वारा एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया गया था। ये लुटेरी दुल्हन शादी कर अगले दिन या कुछ दिन पश्चात घर से सारा माल लेकर फरार हो जाती थी। इसके पश्चात थाना तितावी पुलिस ने इस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर इसके पूरे गैंग को जेल में भेज दिया। वर्तमान में लुटेरी दुल्हन मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद है। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि लगातार महिला को चढ़ रहे बुखार के बाद जब जिला प्रशासन ने महिला का स्वास्थ्य चेकअप कराया तो उसमें महिला एचआईवी पॉजिटिव निकली, जिसके पश्चात महिला का उपचार जारी है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महिला ने जिन 5 अन्य व्यक्तियों से शादी की थी उन व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी गई है, जिससे उन व्यक्तियों की जांच की जा सके। जेल अधीक्षक ने बताया कि जो जो प्रोटोकॉल है उसके तरीके से ही महिला का इलाज जारी है। महिला यहां आई, उसने बताया कि वो एचआईवी संक्रमित है। जब अस्पताल में पता किया तो पता चला कि महिला का इलाज भी वहां से चल रहा है। आज महिला बिल्कुल स्वस्थ है और अन्य महिला बंदियों के साथ ही रह रही है। सर, एक मामला प्रकाश में आया है कि एक महिला को एचआईवी पॉजिटिव है, किस तरह का उसका इलाज चल रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उसका इलाज चल रहा है। और जब वो महिला यहाँ पर आई थी उसने कहा, प्रवेश के समय बताया था हमारे डॉक्टर को कि वो संक्रमित है, पूर्व से उसका इलाज चल रहा है। तो जब उनका आरटी सेंटर में वहाँ पर उसका नाम पता कराया गया तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बताया गया कि इसका इलाज चल रहा है। तो जो इलाज इसका पूर्व से चल रहा था वही इलाज इसका कंटिन्यू है और आज वो स्वस्थ है महिला, शारीरिक दृष्टि उसका इलाज चल रहा है। सर, महिला बंदियों से अलग रखा गया है स्पेशल या कुछ साथ में? नहीं नहीं साथ में ही रखा गया है और उसका जैसा हमारे चिकित्सा अधिकारी के अनुसार बताया गया कि ऐसा प्रोटोकॉल है कि अलग नहीं रखा जाता। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।